नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर निशा जैन, पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन, बीएससी पार्ट वन जूलॉजी, पेपर थ्री गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी का चैप्टर रीजेनरेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका पार्ट थ्री स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर व्हाट इज रीजेनरेशन, विच ऑर्गेनिज्म कैन रीजेनरेट, टाइप्स ऑफ रीजेनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजेनरेशन, ओरिजिन ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन ऑफ टेल, लेंस, लिम्स के तक कर लिया है। आज हम इसके बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे रीजेनरेशन एबिलिटी इन डिफरेंट एनिमल्स। रीजेनरेशन एबिलिटी इन डिफरेंट एनिमल्स हम लोग बात करेंगे। पुनरुद्भवन प्रोटोजोआ में, पॉरीफेरा, प्लैटिहेलमिंथ्स, निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से रीजेनरेशन होता है या इनके अंदर किस प्रकार से रीजेनरेशन एबिलिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजेनरेटिव एबिलिटी इन एनिमल किंगडम, हम पहले बात करेंगे इन वर्टिब्रेट्स की और उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। अगर हम बात करें इन वर्टिब्रेट्स की, तो हम सबसे पहले फाइलम लेंगे प्रोटोजोअल्स। एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन फाइलम प्रोटोजोआ, मोस्ट सिंगल सेल एनिमल्स लाइक प्रोटोजोअन्स सच एज फ्लैजेलेट्स एंड सीलिएट्स, रीजेनरेशन अकर्स ओनली फ्रॉम दैट फ्रेगमेंट ऑफ द सेल कंटेनिंग द न्यूक्लियस। एम्प्यूटेड पार्ट्स दैट लैक अ न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव। प्रोटोजोअन्स के अंदर रीजेनरेशन वहीं पर होता है, उन्हीं सेल में होता है जिसके अंदर की न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पर रीजेनरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट फाइलम है सीलेंटोरेटा। सीलेंटोरेट्स के अंदर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च ऑन द सीलेंटोरेट हैज़ बीन फोकस्ड ऑन हाइड्रेट्स एंड सम ऑफ द कोलोनियल हाइड्राइड्स। इफ अ हाइड्रा इज कट इन हाफ द हेड एंड रिकॉन्स्टिट्यूट अ न्यू फुट व्हाइल द बेसल पोर्शन रीजनरेट अ न्यू हाइड्रेंथ विद माउथ एंड टेंटिकल्स। फ्रॉम टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म होल एनिमल्स कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सीलेंटोरेट के अंदर रीजेनरेशन को हाइड्रा या हाइड्रेंट्स तक ही ज़्यादा पढ़ा गया है और ये पाया गया है कि हाइड्रा को अगर हम कट कर देते हैं, दो पार्ट में कट कर देते हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें कि टेंटिकल और माउथ प्रेजेंट होते हैं वो नीचे वाला फुट डेवलप कर लेगा और जो फुट वाला पार्ट है वो ऊपर वाला माउथ एंड टेंटिकल पार्ट को डेवलप करके और कंप्लीट हाइड्रा को बना देगा। देन नेक्स्ट इज फ्लैटवर्म्स, दैट इज प्लैटिहेलमिंथ्स। Planarian flatworms are well known for their ability to regenerate heads and tail from the cut end. In case of head regeneration, phlebotomy cells become brain tissue, other develop into the eyes, still other differentiated to muscle or intestine. In a week or so, the new head functional almost as well as the original. Planaria ka maine aapko pehle bhi example diya tha ki agar hum usko cut karte hain तो किस प्रकार से, अगर हम दो पार्ट करते हैं तो किस प्रकार से हेड वाला पोर्शन नीचे टेल वाले पोर्शन को डेवलप कर देता है और टेल वाला पोर्शन किस प्रकार से हेड पोर्शन जिसके अंदर के आईज और सब होता है वो डेवलप हो जाते हैं। रीजेनरेशन इन फ्लैटवर्म अकर्स इन स्टेप वाइज फैशन। द फर्स्ट इशू डिफरेंशिएट टू इज द ब्रेन विच इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ द आईज। वंस द हेड इज फॉर्म्ड इट इज turn stimulates the production of the pharynx, the latter induces the development of the reproductive organs. Thus, each part is necessary for the successful development of those which come after it. Each part inhibits the production of more of itself. If a decapitated flatworm are exposed to extract of heads, the regeneration of their own head is prevented. Such a complex interplay of the stimulators or inhibitors is responsible for the successful regeneration and integrated morphological structure. Planaria ke andar jo regeneration hai, it is a quite complicated process, but it take place step wise step. Next phylum is annelids.
The segmented worm exhibit various degrees of regeneration. The leeches, as already noted, are wholly lacking in the ability to replace lost segments, whereas the earthworm and various marine annelids can often regenerate forward and backward. The expression of such regenerative capacity depends very much on the level of amputation. Anteriorly directed regeneration usually occurs best from cuts made through the front end of the worm, with little or no growth taking place from progressive, more posterior bisection. Fishes. अब हम बात करेंगे vertebrates की. Vertebrates के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे fishes की. अगर हम fishes की बात करें, many different parts of the fishes body grow. कुछ बहुत सारे part होते हैं जो fishes के develop हो जाते हैं. Plug scales are promptly replaced by new ones. अगर हम fishes के scales को हटाएंगे तो वहाँ पर नए आ जाते हैं. Gill filaments can regenerate easily. Gill की filaments को हटाएंगे तो वो वापस regenerate हो जाएंगे. The whiskers or taste bubbles of the catfish grow back as perfect replicas of the original. The most conspicuous regenerating structure in fishes are fins. When any of these are amputated, new fins grow out from the stumps and soon restore everything that was missing. Even fins तक भी fishes के regenerate हो जाते हैं. Next among vertebrates is amphibians. मैंने आपको salamanders का newt का example दिया था. Salamanders are remarkable for their ability to regenerate limb. Larval frogs or tadpole also possesses this ability, but usually lose if when they become frogs. It is not only why frog legs do not regenerate, and under appropriate stimuli they can be induced to do so. Tadpoles and salamanders can replace amputated tails. Tadpoles' tails have stiff rod called notochord for support, whereas salamanders possess a backbone composed of vertebrae. Both tails contain a spinal cord. If the spinal cord is removed or destroyed in the salamander, no tail regeneration occurs. It is removed from the tadpole tail, however, regeneration can proceed without it. In reptiles, we have already discussed about the lizard. Lizards regenerate their tails, especially in those species that have evolved a mechanism for breaking off the original tail when it is grasped by any enemy. The spinal cord of the lizard tail is necessary for regeneration. Lizard के अंदर, छिपकलियों के अंदर tail का development होता है. Bird के अंदर regeneration होता है. किसमें होता है? Amputated appendages in bird is not known to occur. However, they do replace their feathers as a matter of course. अगर bird की कोई appendage amputate हो गई है, काट दी गई है, तो वो develop नहीं होगी. लेकिन feathers जो हैं, वो जरूर develop हो जाएंगे. Most species shed and regenerate feathers. The dorsal keel on the upper beak of the male pelican is shed and replaced annually. Pelicans के अंदर जो keel होती है beak के ऊपर वो भी regenerate हो जाती है. Mammals के अंदर they are incapable of regenerating limbs and tails. There are few exceptional cases in which lost tissue are regenerated. कहाँ पर regeneration possible है mammals के अंदर? It is annual replacement of antlers in deer. आपने हिरन देखे होंगे और उनके सींग देखे होंगे. These remarkable structures which normally grow on the heads of the male deer consist of an inner core of bone enveloped by a layer of skin nourished by copious blood supply. हिरन के जो सींग होते हैं वो हमेशा अगर कट जाते हैं तो वापस regenerate हो जाते हैं. Another example, अगर मैं बात करूँ तो rabbit's ear. खरगोश का कान. This regeneration is achieved by the production of new skin and cartilage from the margins of the original hole. इसके अंदर कान का development होता है. A similar phenomena occur in case of the bat's wing. जो चमगादड़ होते हैं उनके जो wings होती हैं उनकी membrane भी regeneration capacity रखती है और उनके अंदर भी regeneration possible है. So these are the few examples of mammal जहाँ पर की regeneration possible है. Factors controlling regeneration. वो कौन से factors हैं जो regeneration को control करते हैं? Nervous system, animal size, pituitary gland, vitamin A and insulin. ये बहुत important चीजें हैं जो कि regeneration के लिए present होनी चाहिए. इनके अलावा temperature. अगर एक constant temperature होता है वहीं पर regeneration possible है. Planaria के अंदर ये देखा गया कि 3 degree centigrade के ऊपर कोई regeneration नहीं हुआ. 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम रीजनरेशन हुआ, जबकि 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फिर वापस टेम्परेचर नहीं रहा. फूड ये पाया गया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारा खाना मिले तभी रीजनरेशन पॉसिबल है. अगर किसी एनिमल को खाना नहीं देते हैं
तब भी उसके अंदर रीजनरेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ऑक्सीजन सिलिंड्रेट के अंदर ऑक्सीजन की अगर मात्रा हम बढ़ाते हैं तो रीजनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक करंट, यह पाया गया है कि कम मात्रा की दिष्ट धारा डीसी में पुनर्भदन को बढ़ावा मिलता है। वाइटामिन ए पर प्रभाव पड़ता है, अगर वाइटामिन बी ए उनको दिया जाएगा तो रेट ऑफ जो रीजनरेशन है वो फास्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट रीजनरेशन, हमने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा है। इसी के कॉन्टिन्यूशन में इसके अभ्यास प्रश्न हैं, असाइनमेंट्स हैं। व्हाट इज डिफाइन रीजनरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोलॉजिकल रिपेरेटिव रीजनरेशन, डिफाइन मेटाप्लेशिया, डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉक्सिस एपिमॉर्फोसिस, व्हाट इज ब्लास्टेमा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटाप्लेशिया एंड मॉड्यूलेशन, ये सब मैंने आपको अभी बताया है और इस चैप्टर के अंदर करवाया है। आप इन सब क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए और अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। रीजनरेशन पुनरुद्भवन चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू।